हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके मोटर में। दोस्तों ये है पंच, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पंच है टाटा की। और इसमें आज हम आपको बात करेंगे सारे मॉड्यूल्स दिखाने की, मॉड्यूल्स के लोकेशन दिखाने की। ठीक है, मॉड्यूल्स के लोकेशन क्या क्या है। और तो दोस्तों सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे मॉड्यूल की, कौन सा ECM मॉड्यूल, ECM इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल ये रहा। ठीक है दोस्तों, ये रहा। और इसका जो फ्यूज बॉक्स है वो ये रहा, इसके पीछे ये मॉड्यूल है। ठीक है, ये इसका कपलर हो गया, एक मॉड्यूल ये हो गया। और इंजन फ्यूज बॉक्स ये वाला हो गया, इसको ऐसे ही ढक देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो है और भी इसमें मॉड्यूल हैं, उनके उन्हें दिखा दें। इसमें भैया डैशबोर्ड खोल रहे हैं, इसमें डैशबोर्ड चेंज हो रहा है, वो रहा डैशबोर्ड। ठीक है, नया डैशबोर्ड डाल रहे हैं, एयरबैग फट गए थे इसलिए डैशबोर्ड डालना पड़ रहा है। अब बात करेंगे अगले मॉड्यूल की। ठीक है, इसमें EPS मॉड्यूल ये रहा, इसकी लोकेशन बिल्कुल ठीक, यहाँ से आप कवर खोलेंगे EPS मॉड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, EPS मॉड्यूल के साथ ही आपको जो है केबिन फ्यूज बॉक्स मिल जाएगा, सारी रिले वगैरह इसी में है। ठीक है, और आपको बात करें एयरबैग SRS सिस्टम। और जी प्यारे भाइयों, लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो एयरबैग SRS सप्लीमेंट रेजिस्टेंस सिस्टम ये रहा, इसका यहां पर है। ठीक है, ये मॉड्यूल हो गया। इसके बाद एक मॉड्यूल और बचता है BCM। BCM की लोकेशन दिखा दी थी, BCM की लोकेशन के लिए आपको थोड़ा टफ है, खोलना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप खोल सकते हैं क्योंकि हमने तो डैशबोर्ड खुला है तो हमें सारा दिख रहा है। ये BCM है, इसको आप नीचे से खोलेंगे, यहां से ग्लो बॉक्स खोलने के बाद आप आराम से इसे खोल सकते हैं हीरा। तो दोस्तों मैंने आपको सारे मॉड्यूल बता दिए हैं, जितने भी गाड़ी में मॉड्यूल है। ठीक है, अब ज्यादातर पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो BCM ही करता है। ठीक है, और SRS को सारा ये कंट्रोल कर लेता है एयरबैग को। ठीक है, और तुम्हारा EPS जो है वो दिखाई दिया है उधर। ठीक है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल आगे है ही, टाटा में इसे ECU बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो ऐसी ही मिलती रहे हमारे पास। ठीक है दोस्तों।